बॉलिंग क्या करनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को, नहीं फेस करनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया, बैग पैक करे और घर जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो बदला ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये बदला है, क्योंकि हम लोग एशियाई जो लोग हैं ना, क्रिकेट से बड़ा इमोशनली अटैच है, और इन्होंने वर्ल्ड कप जीत के उसकी बेर हुरमती कर ली। 4 साल हम वर्ल्ड कप का इंतजार करते थे, ये ट्रॉफी जीत के उसमें पांव रख के बैठे हुए, जीते पैर रख दिया, वही मैं कह रहा हूँ, पर पांव रख के बैठे हुए हैं। तो ये इंडिया ने बताया कि भाई तुम लोग उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा था, तुम जीत गए, वरना तुम्हारी इतनी खास टीम आज देख ले, मैक्सवेल खेल रहा था, जैम्पा खेल रहा था, डेसी शोर था, मार्कस स्टोइनिस थे, स्टीव स्मिथ ओपन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज किसी को नहीं माना। जयसवाल ने जो आज रोहित शर्मा की याद कराई है ना, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली की याद करवाई है। जिस तरह विराट कोहली बारी लेके चलता है वो बारी लेके चला है, उधर से जयसवाल ने आगे मारा है 25 गेंदों पे, मेरे ख्याल से 50, हाँ फिर खुद मारा, उसके बाद स्काई ने आगे पहली गेंद पे, कैप्टन है वो कैप्टन, और पहली गेंद पे छिक्का मार रहा है आगे। 350 आई और रिंकू सिंह ने 9 बॉल्स खेली और उनमें उसने एक भी सिंगल नहीं ली, छक्के चौके छक्के चौके, ये क्या हो रहा है? उसने कहा यार तुम बच्चे हो यार, ये क्या सिंगल किया है, ये सिंगल याद किसने किया है, छक्के मारो T20 है ये क्या, तुम ये जो इधर लगे रहते हो समर है ना इधर, हाँ टुक टुक बादशाह इधर बैठे होते हैं, वो क्यों करते हो यार, छक्के मारो। उसने उसकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग थी, अनबिलीवेबल थी, उसने आया है और आते साथ उसने तबाही मचाई है। रिंकू सिंह के बारे में क्या कहेंगे, बंदे ने सिंगल ही नहीं ली, उसने कहा यार ये क्या, मैं आज उनको एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिसमें वो कहते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं वो क्या कहते हैं टुक टुक ना करूं, मैं छक्के चौके लगाऊं, जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं जाके छक्के चौके ही लगाने हैं, ये रन रेट लेना मेरा बस का काम नहीं है। वो प्रूव कर रहे हैं कि भाई जो मैं हूँ और इंशाल्लाह ये हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आएंगे। लोग कह रहे हैं कि दैट ही इज द नेक्स्ट MS धोनी, तो आपको नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ही इज द नेक्स्ट MS धोनी, और ये ऐसे प्लेयर है जिसे क्लास स्टाइल और टैलेंटेड है, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास अवेलेबल है, और ये चीज हमें पता भी चल रहा है। आप ये ना समझें कि वो बी टीम है, वो जूनियर्स हैं, वो ये हैं, वो हैं, आई थिंक वो तो सीनियर्स को धो रहे हैं पकड़ के, और उनके सीनियर्स शुक्र है अभी नहीं